आज मैं द नो एयर मिशन जो कि द डाइव मिशन है उसको पहले कंप्लीट करूंगी, फिर कुछ सारे एक्सप्लोरर नोट को भी ढूंढ लूंगी, फिर किसने बोला था स्पाइनो वर्सेस रेक्स को करने के लिए तो वो भी दिखाऊंगी मैं। और आज मैं सबसे बड़ी बात जो करने वाली हूँ, 88 स्पाइनो को किल करने वाली हूँ। तो वीडियो से जाने से पहले लेट्स गेमर्स, कैसे हो आप सभी लोग? मैं अरिका आज दोबारा से एक बार खेल रही हूँ एयर के सर्वाइवर इवॉल्व्ड। लास्ट डे को तो आप लोगों ने देखा ही था कि मैं इतना तक आ चुकी थी, है ना। तो इधर पे मैं जैसे सामने आती हूँ बहुत सारे मेगा लेजेंड था, एक नहीं दो नहीं 10-12-15 तो हो गए इधर पे। तो बहुत ज्यादा मुश्किलातों का सामना करना पड़ेगा अगर ये वाला मिशन आप लोग करते हो तो। कोई भी मतलब दिक्कत वाली बात नहीं है, आई मीन दिक्कत वाली बात है ऑब्वियसली है, बहुत बार मरोगे ये तो कन्फर्म है। बट आप लोग अगर आते हो तो आप लोगों के पास अगर डॉल्फिन वगैरह या फिर कोई भी जानवर है उसको लेके आना, बेस्ट होगा डॉल्फिन, क्योंकि डॉल्फिन को अटैक दूसरे कोई भी मेगालोडन इतना जल्दी नहीं करता है, तो उसके लिए बहुत आसान हो जाती है एक तरफ से। तो मैं इधर पे आ जाती हूँ अपना जो डॉल्फिन है उसको लेके, और साथ में ऑटर को तो मैं रखती ही हूँ। तो अभी इतना तक तो मैं आ चुकी थी, और राइट में देखो जैसे जैसे मैं नीचे की तरफ बढ़ रही थी वैसे वैसे राइट में भी द डाइव का जो ऑप्शन है वो भी बढ़ते जा रही थी, ठीक है ना। तो बहुत दूर तक मैं आ गई थी बट कुछ भी करके कंप्लीट नहीं हो रही थी। पीछे मेगालोडन के मतलब एकदम ट्रूप पड़ा हुआ था मेरे पीछे लिटरली, मुझे इतना डर लग रही थी ना इस मोमेंट पे, मैं ही बताओ कि मैं इधर पे अगर जकड़ गई तो भाई जिसका डर था वही हुआ। इधर पे मैंने जकड़ गया तो वही मोमेंट में मुझे चारों ओर से सारे मेगालोडन एक ही बार में शिट। कुछ भी करके मैं इधर से निकल तो जाती हूँ, बट एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, आपका जो सांस है उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। इधर पे ऑक्सीजन का मात्र कम होने पे मुझे इस जगह को छोड़ के ऊपर पे जाना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं इधर पे मर के भूत हो जाऊंगी, सच बता रही हूँ। तो मुझे इधर पे जाना ही पड़ा ऊपर की तरफ, और जैसे ही मैं ऊपर की तरफ जाती हूँ द डाइव का जो देखो जो लाइन है वो भी घटता जा रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होगा कि आप लोग अगर सोचोगे कि एक बार मैं चली गई हूँ तो फिर दूसरे बार जाऊंगी तो बाकी का होगा, ऐसा नहीं होता है। पूरा एक ही बार में आप लोगों को इस वाले मिशन को कंप्लीट करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज्यादा मतलब मुश्किल तो है। बाकी मेरे सांस अटक चुकी है अभी इधर पे, मैं खतरनाक वाला फंस चुकी हूँ इधर पे, और बहुत ही कष्ट करके मैं फाइनली ऊपर तक तो आ चुकी हूँ, बट मेरा हेल्थ भी काफी ज्यादा इधर पे डाउन हो चुकी थी। तो मैंने अगर मुझे रास्ता मिल चुकी है तो फिर मैं फिर से क्यों दोबारा गवाऊ, है ना। तो मैंने सोचा छोड़ते हैं फिर से एक बार कोशिश करते हैं। हेल्थ को मैंने ठीक नहीं किया था, और इसी हेल्थ को लेके मैं नीचे की तरफ चली जाती हूँ फिर से एक बार। और जैसे जैसे मैं नीचे की तरफ जा रही थी मुझे मेगालोडन चारों ओर से मुझे अटैक करना स्टार्ट कर देता है। बहुत कष्ट करके मैं इधर से आती हूँ, आने के बाद बहुत दूर तक जाती हूँ, देख ही पा रहे हो आप लोग की कितना दूर तक मैंने कष्ट करके करके इधर तक आया। तो बहुत कष्ट करके मैं इधर तक तो आ जाती हूँ, फिर देखती हूँ कि मेरा हेल्थ इधर पे पूरा खराब हो चुकी थी। कंटिन्यूअसली मैं इधर पे चले ही जा रही हूँ। राइट में एक बार गौर फरमाओ यारो, देखो राइट में क्या है, इतने सारे मेगालोडन आ रहे हैं मेरे पीछे। तो मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी इस मोमेंट पे, क्योंकि मुझे ये मिशन कंप्लीट भी करना था और ऊपर से मुझे ये सारे मेगालोडन एंड मांटा सारे चीजों से बचना भी था। बाकी मांटा मेरे पीछे नहीं पड़ा था, नहीं तो अभी तक मैं खत्म थी, क्योंकि मांटा का स्पीड बहुत ज्यादा होती है। तो सिर्फ बस सिर्फ मेगालोडन थी, इस कारण मैं थोड़ा बहुत आगे तो आ जाती हूँ, बट इधर भी चक्कर जाती हूँ तो फटाफट से इधर से निकलना पड़ेगा। कुछ भी करके मैं इधर से निकल जाती हूँ। जाने के बाद सामने से जैसे ही मैं जाती हूँ धीरे धीरे मैं देखती हूँ हो गया भाई, कुछ भी करके इधर पे मेरा कंप्लीट हो जाती है। तो मैं इधर पे आप लोगों को लोकेशन दिखा देती हूँ, फटाफट से देख लेना कि किधर पे मैं आई थी। बाकी क्या गिफ्ट मिली है ना मिली है मुझे नहीं पता, मैं अभी भाग रही हूँ, लिटरली मैं इधर से भाग रही हूँ। ऊपर से देखो ऑक्सीजन भी कम होते जा रही है, मुझे इधर से कुछ भी करके फटाफट से इधर से फाइनली निकलना है, कुछ भी करके। पीछे आप लोगों को भी पता है पीछे नहीं देखना, अगर ये मिशन पीछे बिल्कुल मत देखना, एकदम जितना भी हो सके आप लोग इधर से भागने की कोशिश करना, ठीक है ना। तो मैं भी वही करती हूँ, मैं इधर से कम्प्लीटली मैंने पीछे एक बार भी नहीं देखा, ना देख के मैं फटाफट से इधर से भागने की कोशिश करती हूँ। और ऊपर मैं जाती ही रहती हूँ। मैं सोच रही थी मेरा डॉल्फिन बस आ जाए, और मैं जैसे ही क्लोज आती हूँ देखती हूँ मेरा डॉल्फिन भी साइड में ही था, तो मैंने फटाफट से उसके ऊपर चढ़ तो गया, बट उसी टाइम पे रिकॉर्डर ना बंद हो जाती है मेरे हाथ पे लग के, तो वो वाला सीन मिस तो हो जाती है। बाकी ये वाला आप लोगों को समझ में आ ही गई होगी कि मैंने कैसे ये चीजों को कंप्लीट किया। तो बिल्कुल ऐसे ही आप लोग अपना डॉल्फिन को लेके इची को लेके आ जाना, आने के बाद आप लोग ये वाला मिशन को कंप्लीट करना, बिना इची के मत आना क्योंकि नहीं होगा। क्योंकि आप अगर आप लोग का ऑक्सीजन लेवल बहुत है तो फिर हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर नहीं ऑक्सीजन लेवल बहुत ज्यादा तो फिर आप लोगों को कोई ना कोई सहारे की दरकार है, उसको लेके आप नीचे तक तो नहीं जा सकते मिशन कंप्लीट होने तक, बट उसके बाद आप लोग इची का यूज कर ही सकते। तो बिल्कुल मैंने
उसी तरीके से इची का यूज़ किया तो आप लोग भी यूज़ करना और ये वाला मिशन बहुत आसानी से कंप्लीट हो जाएगी। और बाकी मैं इधर पे अभी आ चुकी अपने घर पे फिर से एक बार, आने के बाद मैं एक बार दिखा देती हूँ क्या मिला था। तो मुझे प्ले शॉर ना क्या नाम है ना वो जो सी क्रिएचर है एक, उसका शैडल मिल चुकी है, बहुत अच्छी बात है। और वो क्रीमी ये चीज़ें मिली है मुझे, जो भी हो उसको हटाते हैं। और अभी फिर से एक बार मैं आ चुकी हूँ एक्सप्लोरर नोट को ढूंढने, और तभी मैं सामने देखती हूँ उधर पे रैप्टर वगैरह का झमेला हो रहा था। तो मैंने सोचा भाई स्टैमिना को बढ़ा लेते हैं, और उधर पे थोड़ा सा काम भी है, इधर पे बहुत सारा बीवर डैम रहता है। बट इधर एक जो मुश्किलातों का सामना आप लोगों को करना पड़ेगा कि इधर पे बहुत ज़्यादा एनिमल्स का हमला होता रहता है, ठीक है ना। तो आप लोग इधर पे आना तो बहुत प्रिकॉशंस रख के आना। तो देखो मैं जा ही रही थी तो उधर देख दूँ कि कितने सारे कॉम्पी दे दिया गया इधर पे भाई, ये कौन सी नौटंकी है यार, पहले तो इतना ज्यादा नहीं आती थी बट अभी तो लगभग हद से ज्यादा कॉम्पी इधर पे अटक कर चुके। तो कुछ भी करके मैं इधर से बच तो जाती हूँ। अभी एकदम पानी के नीचे चलते है, जाने के बाद इस बीभट डैम से सारे कुछ हम चुराने वाले। तो बराबर से मैंने इधर से सारी चीजों को चुरा लिया। अभी ये जो वुड है इसको ड्रॉप कर देती हूँ, और देने के बाद मैं भागू क्या यार, पीछे पड़ चुका है, आप लोगों को भी पता है कौन पड़ा है। तो आ जाता है, देखो कैसे आ रहा है, ऊपर से मेगा पिराना भी आया था। कोई नहीं, इसको मारते हैं पहले, इधर से हटाते हैं इन लोगों को, फिर हम लोग आगे का मिशन भी तो करना है, उसके लिए भी निकलेंगे। बट इसको थोड़ा बहुत दो चार झापड़ पड़ने पे ये भाग जाता है, छोड़ो उसको। और एक बीबर डैम था तो उसके पास आके फिर से मैंने इधर से ले लिया, फिर से वुड को फेंकना पड़ेगा। रुको, बापरे बाप, 800 वुड कलेक्ट किया था इसने। तो चलो कोई नहीं, अभी इसको फेंक देते हैं और इधर से हम लोग इधर से फटाफट से एकदम निकल जाते हैं, ठीक है ना। तो पीछे तो भाई पड़ेगा आप लोगों को, उसके लिए रेडी रहना ही पड़ेगा, कुछ भी बोलो, उससे आप लोग छुटकारा नहीं पा सकते हो इस चीजों से। तो देखो कैसे आ रहा है फिर से, तो इसको मारते हैं, ठीक है ना, चलो मारते हैं फटाफट से, इसको खत्म करते और इधर से निकलते हैं। तो इधर पे मैं मार ही रही थी और पीछे देखो कार्नो बाबा जी कैसे आ रहा था भाई साहब, इसका कलर खतरनाक था, है ना, कलर मुझे बहुत पसंद आया। ओ भाई हा करके मर गया बेचारा। तो चलो अभी इधर से हम निकल ही रहे थे और तभी मुझे दिखती है एक सप्लाई क्रेट, तो मैं फटाफट से इधर पे उतर जाती हूँ, थोड़ा सा देख के उतरना है सब जगह, देखो कितना ज्यादा डेंजरस एरिया है, फटाफट से लो और भागो। राइट पे देखो क्या दे रहा है, यू हैव एंटर्ड अ डेंजरस एरिया, ठीक है ना। तो बहुत प्रिकॉशंस रख के उतरना, मैं नहीं बोलूंगी कभी भी कि उतर जाओ कहीं पे भी आप लोग। तो इधर पे मैं फाइनली एक्सप्लोरर नोट के पास आ जाती हूँ और मुझे इधर पे स्नीड एरिया का एक्सप्लोरर नोट मिल जाती है। लोकेशन में आप लोगों को नीचे देखना, ठीक है, मैप पे दिखा दिया। और इधर पे जा ही रही थी कि मुझे दिखती है फिर से वो वाला एक, तो चलो ले लेते हैं इधर से। इधर पे है वाटर बल्ब इस बार, ओ एक एक बार एक एक टाइप्स का दे रहा है, पिछले बार मुझे वाटर ड्रम दिया था और इस बार वाटर बल्ब दिया, क्या है पता नहीं, देखते हैं। एक सेकंड हाँ रुको, एक सेकंड एक सेकंड, पहले ना मैं काम करती हूँ, रात हो चुकी ना, पहले सो जाती हूँ फिर सुबह दिखाती हूँ। ये देखो ये रहा वो वाटर बल्ब, पता नहीं इसका क्या काम है, मैं तो कभी इसका यूज़ किया नहीं, पता नहीं क्या काम है, आप लोगों को अगर पता है मुझे बताना, ठीक है। वाटर बल्ब होती क्या है भाई। तो इधर पे मैं फिर से एक बार घर पे आ जाती हूँ, आने के बाद में ही इधर पे एजेंट इसको रखने वाली, रख के इधर से निकल जाने वाली हूँ दूसरे काम के लिए। बाकी इधर पे आने पे मुझे एक चीज दिखती है कि मेरा बेस इतना बड़ा है भाई, मैंने पहली बार ऊपर से इतने अच्छे से देखा कि मैंने ये क्या बना दिया भाई, इतना बड़ा करके बना दिया मैंने इसको। इसको बनाने में इसलिए इतना मेहनत लगा, मैं क्या ही बताऊँ, इतना टाइम कंज्यूमिंग थी ये चीज़ों को अकेले करने में। सारी जगह कवर है, ठीक है ना, जो जगह खाली दिख रही है ना, आप लोगों को लग रहा होगा कि ये जगह शायद कुछ नहीं है, बट बाकी देखो ये पूरा कवर है, ग्लिच के कारण कभी कभी कुछ कुछ चीज़ें नहीं दिखती है। तो चलो कोई नहीं, अभी मैं आ जाती हूँ रेक्स को लेके स्पाइनो हंट करने। जैसे कि आप लोगों ने बताया था कि रेक्स वास्ते स्पाइनो करो, तो अब भी देखो आप कि मैंने आपके बातों की रेक्स वास्ते स्पाइनो कर दिया, ठीक है ना, चलो देखते क्या होती है। तो इधर पे मैं आती तो हूँ बट एक ही बाइट में स्पाइनो मर जाता है, मेरे को करना ही नहीं है, स्पाइनो मेरे रेक्स के सामने नहीं टिक पाएगी, इतना तो मुझे समझ में आ गया। मेरा रेक्स इधर पे बहुत खतरनाक है, ठीक है ना, तो उसके सामने कोई बड़ी बात नहीं। तो अभी इधर पे जो स्पाइनो हंट किल वाला जो मिशन आती है ना, उसमें मैंने यूज किया इस बार एसल्ट राइफल को, ठीक है, तो जिसके कारण बहुत आसानी से वाला मिशन कंप्लीट हो जाएगी। भाई तुम लोग इधर ही मेरे को डिस्टर्ब करने आ जाओ भाई, जब मैं कुछ काम करने आऊँ तभी तुम लोग डिस्टर्ब करने आ जाते, क्या मिल जाती है भाई। भाई फाइनली मार दिया, चलो हटाओ इसको यार, अभी चलो सामने जाके मैं इसको मारती हूँ। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, ठीक है ना। तो भाई मैं क्यों डिफेंड, मतलब मैं क्यों छुप रही हूँ भाई, इधर पे तोड़ी ना मैं शूटिंग गेम खेल रही हूँ कि वो आके मुझे भी मारेगा। तो जो भी हो इधर पे फटाफट से मैं इधर पे आ जाती हूँ, आने के बाद इसको मार भी देती हूँ। थोड़ा सा मतलब
एक राउंड गोली चलाने पे ही ये खत्म हो जाती है, सच बता रही हूँ। तो अभी फिर से एक बार मैं आ जाती हूँ सामने की तरफ और देखती हूँ एक ब्रॉन्टो और एक स्पाइनो मिलके बहुत ज्यादा इधर पे मारपीट कर रहा था। तो मैं भी उतर जाती हूँ अपना असॉल्ट राइफल को लेके और फटाफट से अपना असॉल्ट राइफल से धड़ाधड़ गोली चलाती हूँ और ये मर जाता है। तो चलो दो वाला ये हो गया, दो तीन मैंने इधर पे मार ही दिया, ठीक है। तो अभी चलो फिर से मैं एक बार निकल पड़ी हूँ और सामने जैसे ही आती हूँ और एक स्पाइनो मुझे दिख जाती है और लेफ्ट में रेक्स भी था। तो कहाँ पे उतरना है मुझे तो नहीं पता, बट वो मैं कहा और कैसे करती हूँ और ये मिशन को भी कैसे करती हूँ सारी चीजें मैं दिखाने वाली हूँ नेक्स्ट एपिसोड पे। आज फिर जाती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड पे। तब तक के लिए टाटा एंड टेक केयर।